फैक्ट नंबर एक। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड वाले हमेशा साउथ फिल्मों की चोरी करते हैं और साउथ वाले नई नई फिल्में बनाते हैं? तो आप गलत हैं, क्योंकि साउथ वालों ने भी कई बॉलीवुड फिल्मों की कॉपी की है और उनसे करोड़ों रुपया छापा है। जी हाँ गाइस, इसमें सबसे पहली फिल्म है संजय दत्त की मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसे साउथ इंडस्ट्री ने एक नहीं बल्कि दो दो भाषाओं में कॉपी किया है। तमिल में जहां इसे वसूल राजा एमबीबीएस के नाम से कॉपी किया गया, तो वहीं तेलुगु में इसे शंकर दादा एमबीबीएस के नाम से कॉपी किया गया। नंबर दो पर है सलमान खान की दबंग, जिसे तमिल भाषा में उस्ते नाम और तेलुगु भाषा में गब्बर सिंह के नाम से कॉपी किया गया। नंबर तीन पर है आमिर खान की थ्री इडियट्स, जिसे तमिल भाषा में नंदन नाम से कॉपी किया गया। और ऐसा सिर्फ आज के समय से ही नहीं हो रहा, बल्कि 80-90 के दशक में सुपरस्टार रजनीकांत ने अमिताभ की कई फिल्मों को कॉपी किया था। गाइस, मतलब साफ है कि जो हालात आज बॉलीवुड के हैं, वैसे कभी हालात साउथ के भी थे। फैक्ट नंबर दो। गाइस, कई बार बड़े-बड़े एक्टर्स की बड़ी-बड़ी फिल्में भी इतनी कमाई नहीं कर पाती जितनी कमाई दीपिका और प्रभास की अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के ने रिलीज से पहले ही कर ली है। जी हां गाइस, खबरों की माने तो 500 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 170 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिसमें इसने अपने निजाम राइट्स यानी कि तेलंगाना राज्य के राइट्स को पहले ही 70 करोड़ रुपए में बेचा है। वहीं फिल्म के आंध्र प्रदेश राइट्स को 100 करोड़ रुपए में बेचा गया है, यानी कि फिल्म ने अपने तेलुगु इंडस्ट्री में ही रिलीज से पहले 170 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके बाद अभी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी बेचे जाने बाकी हैं। अब इससे तो यही लगता है कि ये फिल्म रिलीज से पहले ही बजट का आधे से ज्यादा पैसा कमा लेगी।